देर रात काल हो रहा है, गोली चाली है और गोली चालने से जो को वो एक आदमी की मौत हो रहा होगी और भतीजे के ऊपर ही जो को है हत्या को जो को आरोप है वो लगे है। तीनों गेट खुले हुए थे, एकदम से गेट खोला और उन्होंने रतन सिंह को गोलियां चला दी। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण, ते देख रहे हो जल को झुंझुनू। और अभी आप झुंझुनू के पिलानी के अंदर और धींदवा सर्किल के बिल्कुल आप बगल में खड़े हैं। उतना एक बिल्डिंग उन्हें दिखाई दे रही होगी, नीचे दो शटर दिखाई दे रहे हैं और ऊपर एक फ्लैट टाइप में कुछ दिखाई दे रहे हो वो। और उरा आने का जो पीछे को कारण है वो ये है कि देर रात गोली चाली है और गोली चालने से जो वो एक आदमी की मौत उरा होगी। और ये जो फ्लैट उरा है पूरे एक युवक रिहा करते है और भी को जो मामो है रतन सिंह भी को नाम बताया जा रहा है वो उरा आयडो हो और बन के ऊपर जो गोली चाली है। बता दू की बातचीत के आसपास के लोगों से बन को यह कहना है कि बन को कोई जमीनी विवाद जो को है बन को मामा को चाल रहे हो और भतीजे के ऊपर ही जो को है हत्या को जो को आरोप है वो लगे है। पुलिस जब जांच करेगी तो पूरा जो को मामला वो क्लियर हो पाओगे कि गोली जगी वह कौन चलाई है और भी के पीछे की वजह जगी है बाकी है। लेकिन अभी की जगह स्थिति यह है, ग्राउंड पर आप खड़ा हा, पुलिस अंदर मौजूद है और अंदर मौका वारदात के ऊपर कुछ सबूत जुटाने की कोशिश सभा करी जा रही है कि के हिसाब से वो घटनाक्रम चालियो है। लेकिन स्थिति यह है कि पिलानी के अंदर लगातार जो अपराध है वो बढ़ते जा रहे है। अभी आप पुलिस से भी बातचीत करने की कोशिश करांगा, आस पास का जगह लोग ही बन से भी बातचीत करांगा। शेयर कर देना वीडियो ने, लास्ट तक जरूर देखो। राम राम जी। राम। तारे बगल में बिल्कुल 8 बजे के बाद में की घटना बताई जा रही है, तभी टाइम में थे दुकान खुली है फिर को नहीं? मैं तो 7 बजे चल जाओ थाने एक बार में कद पता लगे मानते हो दिन की गाड़ी आई पंचर खड़ी दोपहर सी। अच्छा, जब उससे पहले कोई सूचना ही क्यों नहीं करना दोपहर से पहले थाने बेरो क्यों नहीं हो? इससे पहले भी है कि कुछ चीजें उरा हुई मैं तो देखी बोल अन्न सुनी कौन कह रही अगर तो उरा कुछ कुछ जानकारी है भाई? दो एक छोरा रहे करता बस कौन हाँ कठे का वो कौन आप अकेले पूछा ये भी रहन लग गया कोई 2-3 मना से। हाँ तो कुछ और लोग भी मौजूद है करने की कोशिश करांगा उन्हें दो की थे सुबह उरा कद आया मैं तो ये भी आया साहब था नहीं देख के इससे पहले बेरबेरो को नहीं होगी क्यों पुलिस की गाड़ी भी आई रात ने एम्बुलेंस आके लेगी लास्ट में। अच्छा, रात में कैसे आई एम्बुलेंस? 1:30 बजे से आई होगी। तो थे भी टाइम उरा आया फिर जाए कोई सुनड़ी बता रहे हो? सुनड़ी बताओ मैं तो मैंने तो कि जाए उरा बता रहे हैं कि रात में कोई घटना हुई तो कोई बेरो है कि कौन हो के हो मैंने घटना घटना को कोई भी को मैं पूछूं कोई भी के घटना हुई है घटना अभी तक भी कौन बेरो पूरे रात में गोली वाली चली बताओ ये भी सुबह थोड़ी है 10-11 बजे रात में गोली चली भी से पहले भी है कि कोई चीज और आसपास हुई है ना तो कोई मेरा चीज को सुनी तो कौन के रिया करतो और किराए पर के हो कुछ गोली पे तो हमने कुछ भी रात्रि करीब 12:03 पे थाने पे जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि धींदवा सर्किल पे एक व्यक्ति के गोली मार दी गई। सूचनाकर्ता मृतक का भांजा था, तुरंत मौके पे पहुंचे पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरा मामा रतन सिंह बेड पे मृत अवस्था में लेटा हुआ था। दो लड़के आए और काका के नाम से आवाज दी, तीनों गेट खुले हुए थे, एकदम से गेट खोला और उन्होंने रतन सिंह को गोलियां चला दी और गोली मार के धमकाते हुए भाग गए। मालूमात करने पर पता चला कि रतन सिंह का भतीजा और उसके आपस में जमीनी विवाद, पैसों को लेकर विवाद, भाई कैंपर गाड़ी को लेकर विवाद चल रहा था। काफी समय से वो इसको मारने की धमकी दे रहा था। श्रीमान सीओ साहब चिड़ावा भी मौके पर पधारे थे, एडिशनल एसपी साहब भी पधारे थे, उन्होंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। डॉग स्कॉट MOB FSL टीमों ने घटनास्थल का जायजा लिया, तफ्तीश जारी है। रतन सिंह का पोस्टमार्टम कराकर बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी है।